नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी की खामियां और ई कॉमर्स से संबंधित मुद्दों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद का अभी तक मिला जुला असर देखने को मिला है। कई व्यापारी संगठनों ने इससे दूरी बना ली है। कैट का दावा है कि दिल्ली सहित देश भर के 40,000 से अधिक व्यापारी संगठन के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान भी बंद का समर्थन कर रहे हैं। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन इसको समर्थन कर रहा है। ये संगठन लगभग 1 करोड़ ट्रांसपोर्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हालांकि समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार कई व्यापारी के संगठन जैसे अखिल भारतीय व्यापार मंडल और भारतीय उद्योग संघ मंडल ने बंद को समर्थन दिया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने कहा कि उसने बंद को समर्थन नहीं दिया है। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव वीके बंसल ने कहा कि कुछ मांगों के समर्थन में दुकानें बंद करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 43 महीने में जीएसटी अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। वहीं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली के महासचिव राकेश यादव ने कहा कि संगठन ने बंद को समर्थन नहीं दिया और सरकार को जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर एक ज्ञापन सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।